तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पज से वीडियो बनाया गया है आरबीडी फ्रैक्चर्स के बारे में। डेब्रिज फ्रैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये दो नोट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं नोट्स की बदौलत आप फ्रैक्चरिंग, डेब्रिज या कुछ भी कर पाएंगे। तो हम इसके बारे में बहुत ही एडवांस और डीपली जानने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें। हम सबसे पहले जानेंगे वोरोनोई के बारे में। एक्चुअली ये दो नोट है, तो ये दोनों नोट का काम एक ही है, फ्रैक्चरिंग करना। तो ये अपने आप में दोनों ही बहुत ही पावरफुल नोट है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसका काम अलग है और इसका काम अलग है स्पेशल। तो ये दोनों ही नोट स्पेशल है, दोनों ही फ्रैक्चरिंग करता है। तो इसके बारे में बहुत ही हम एडवांस जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम वोरोनोई के बारे में जानेंगे। तो वोरोनोई आखिर करता क्या है? ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये मैंने क्या बनाया है? ओके, ये मैं बस जस्ट R&D कर रहा था, तो मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर हम जानेंगे पहले वोरोनोई के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेते हैं बॉक्स, और वोरोनोई के साथ में स्केटर आएगा। यहाँ से इसे मैं कनेक्ट करता हूँ, और ये जाएगा कनेक्शन, इसमें जाएगा, और मैं इसको स्केटर को मैं पॉइंट्स कुछ कम कर देता हूँ, और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं इसे थोड़ा ऊपर रखता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो फ्रैक्चरिंग है, आप स्केटर में अगर इसे एकदम कम कर देंगे तो बिल्कुल फ्रैक्चर ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही बढ़ाएंगे आप पॉइंट्स को तो उतने पॉइंट्स के साथ में फ्रैक्चर होना शुरू हो गए। तो जैसे आप यहाँ पर पॉइंट कम करेंगे, बिल्कुल भी एक भी फ्रैक्चर का निशान नहीं है। तो जैसे ही आप पॉइंट्स बढ़ाएंगे उतने सारे फ्रैक्चर पार्ट्स बन गए। ओके, तो ये सारे फ्रैक्चरिंग पार्ट्स हैं। मैं इसको अगर प्ले करूँ यहाँ से तो नहीं होगा अभी प्ले, क्योंकि प्ले करने के लिए आपको RBD सॉल्वर चाहिए। ये आपके हो गए RBD सॉल्वर, यहाँ से तो ऑफकोर्स नीचे जाएगा, और यहाँ पर मुझे ग्राउंड देना ज़रूरी है। तो ग्राउंड जो हम देंगे यहाँ से देंगे, ग्राउंड जाएंगे, नन में जाएंगे, ग्राउंड प्लेन, अब यहाँ से हम प्ले करेंगे तो ये फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो गए। ओके, तो फ्रेंड मैं आपको ये इसको दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। यहाँ पर फ्रैक्चर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है नेचुरल फ्रैक्चर, और एक होता है जो जिसे हम पुश करके गिराते हैं। अभी पुश करके गिराना जैसे हो गया बिल्डिंग को तोड़ना हो गया, या फिर हथौड़ा मारना ज़मीन पर हो गया फ्रैक्चर करना, या पत्थर पे हथौड़ा मारना हो गया, या दीवार को गिराना हो गया। ओके, ये होता है फ्रैक्चर, हाँ, फोर्स के साथ फ्रैक्चर होना। और एक होता है नेचुरली फ्रैक्चर, जैसे कि बहुत पुराना बिल्डिंग हो गया है तो वो अपने आप गिरना, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नेचुरली, जैसे कि डेब्रिज, धरती हिल रहा है, डेब्रिज पूरा ऊपर से गिर रहा है, तो ये सब नेचुरली हो गया। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो खुद से जो गिरता है नेचुरली, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। और मैं थोड़ा स्केटर इसका बढ़ा लेता हूँ, इसके पॉइंट्स। अब यहाँ से हम प्ले करेंगे, डिस्प्ले ऑन करेंगे, यहाँ से हम प्ले करेंगे, ये विदाउट फोर्स, बिना पुश किए इसको गिराया गया है। ओके, इस तरह से। अगर आप इसको और भी पॉइंट्स बढ़ाएंगे, अगर आपको देखना है इसको विजुअलाइज करके, इस तरह से देख सकते हैं जो रिलैक्सेशन है, इसको कम हटा लेंगे यहाँ से, तो ये देखिए थोड़ा सा रैंडम मिल गए आपको यहाँ पर। अभी हम जानेंगे कि ऊपर से जो बॉक्स जो गिर रहा है, फोर्स के साथ जो गिरता है बॉक्स, उसके बारे में जानेंगे हम। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको फोर्स के साथ नीचे गिरना, ये फोर्स के साथ नीचे गिर रहा है। ओके, तो मैं एक चीज़, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा और इसको डिटेलिंग देंगे, एनालिसिस देंगे हम इसको। ओके, तो जैसे हम देंगे आइसो ऑफसेट। आइसो ऑफसेट क्या करेगा, ये जो आपको फ्रैक्चरिंग है इसको और भी थोड़ा सा नॉइस देगा, ये देखो। ओके, अभी देखो यहाँ पर इस तरह से था, अभी इस तरह से है, इस तरह। ओके, तो यहाँ पर आपको असेंबल हम देते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि असेंबल हम ये क्यों देते हैं यहाँ पर। ओके, सी असेंबल में जो आप इसके यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं, क्रिएट पैक ज्योमेट्री, तो एट्रीब्यूट नेम यहाँ पे ऑलरेडी इसमें नेम है। यहाँ पर अभी हम दोबारा से नेम नहीं देना है, क्योंकि दोबारा से नेम देंगे तो वही नेम कंफ्यूज हो जाएगा होडनी। इसके लिए हम यहाँ से नेम हटा देंगे और यहाँ पर एट्रीब्यूट पैक ज्योमेट्री करेंगे यहाँ पर। लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि मेरे पॉइंट्स कितने हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट्स 4324 पॉइंट्स हैं मेरे पास अभी। ओके, तो जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा और मैं पैक ज्योमेट्री में करूँगा, यहाँ पर कितने आ गए, 202 पॉइंट। तो ये बहुत ही बेस्ट और अच्छा असेंबल है, ताकि आपके PC को ज़्यादा हेवी होने से बचाता है ये।
ये बन तो गए हैं, अभी वोरोनोई में आएंगे हम। तो वोरोनोई में कुछ खास ज्यादा ऑप्शन है नहीं, बस यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटीरियर कप एंगल। जो इंटीरियर कप एंगल है इसके ये वही काम करता है जो इसके लाइनिंग है, इसको ये हटाएगा। और ज़्यादा कुछ ऑप्शन इसमें है नहीं, लेकिन मुझे इस इंटीरियर जो पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं नीचे जो गिर रहे हैं, इसमें डिटेलिंग नहीं है, इसमें डिटेलिंग अंदर में कुछ है नहीं इसके पार्ट्स में जो मुझे चाहिए। अगर एक पत्थर गिरता है या फिर एक ब्रिक गिरता है तो उसमें एक निशान आते हैं, जो इसमें निशान नहीं मिल रहा है, निशान नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ है नहीं। हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे इंटीरियर RBD इंटीरियर नोड लेंगे। तो यहाँ RBD इंटीरियर नोड लिया हमने और यहाँ पर हमें मिला है डिटेल साइज, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। तो पहले हम डिटेल साइज को कुछ कम करते हैं इस टाइप से। तो मैं एक पत्थर पे जाता हूँ एक पार्ट्स के ऊपर, और यहाँ पे मैं इसको और थोड़ा कुछ कम करते हैं, हम मान लीजिए 0-2 करते हैं, और इसके फ्रिक्वेंसीज को बढ़ाते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं एलिगेटर करते हैं इस तरह से। इसको हम और भी कुछ कम करते हैं इस टाइप से, इसके फ्रिक्वेंसी को थोड़ा और बढ़ाएंगे, इसके ऑफसेट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ओके इस तरह से। सिमुलेशन अगर से सही से नहीं दे तो आपको यहाँ पर एक रीसेट कर लेना, कंट्रोल दबाकर एक क्लिक, क्योंकि ये रीसेट सिमुलेशन हो जाता है। ये अभी मुझे डिटेल मिला है, लेकिन मुझे कुछ खास डिटेल नहीं मिला है। अगर कुछ खास डिटेल बनाना है थोड़ा सा और हम इसके नॉइसेस को फ्रिक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाएंगे इतना, ओके। और इसको हम 5 रखते हैं। तो ये मेरे हो गए वोरोनोई का, ये मुझे जो चाहिए था इंटीरियर डिटेल, तो ये मुझे मिल गया यहाँ पर। तो बेसिकली ये 4 नोड है जो आपको बेसिक फ्रैक्चर देता है, बेसिक जो है 4 नोड है, मतलब कि ये आपको बेहतर से बना सकता है। अगर आप इसको हटा भी दें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन ऑफसेट क्या करता है आपके फेसेस को नॉइसेस देता है अच्छे से और भी। तो ये तो हो गए हमारे वोरोनोई। अब हम जानते हैं RBD के बारे में। RBD के बारे में आपको बता दूं एक बात, ये जो आपको जो दिख रहे हैं 4 नोड, ये 4 नोड के बराबर है ये सिंगल RBD नोड। RBD मटेरियल फ्रैक्चर्स में आपको लॉट्स ऑफ ऑप्शन से, आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है यहाँ पर है। प्राइमरी फ्रैक्चर है ये, पूरा फ्रैक्चरिंग जो करेगा, और चिपिंग है, डिटेल्स है, कंस्ट्रेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्राइमरी फ्रैक्चर्स के बारे में। तो ये आप जो देख रहे हैं प्राइमरी फ्रैक्चर हमने किया था फ्रैक्चर, तो ये वोरोनोई जो फ्रैक्चर मेरा करता है ये वही चीज़ है फ्रैक्चरिंग, ओके। अब यहाँ पर देख रहे हैं सेल पॉइंट, जो स्केटर देख रहे हैं आप यहाँ पर स्केटर पॉइंट, तो हमने जो लिया था स्केटर पॉइंट, ओके ये चीज़ स्केटर पॉइंट। अब हम आते हैं ये फॉग वॉल्यूम। फॉग वॉल्यूम में ये हमारे नॉइसेज है, ये नॉइसेज को फ्रिक्वेंसी को बढ़ाता है। तो ये हमारा ऑफसेट जो है, ये हमारे फॉग वॉल्यूम है जो नॉइसेस भरता है हमारे फेसेस पर। तो ये चीज़ है, ये मेरा फॉग वॉल्यूम जो मैं आपको बताया। अभी इसके बाद है डिटेल में आएंगे, डिटेल में जब हम आएंगे तो उसके बाद ये हो गया RBD इंटीरियर डिटेल्स। तो ये इंटीरियर डिटेल्स भी है, उसके साथ में इस डिटेल भी है, और भी चीज़ें, बट ये ज़रूरत के हिसाब से है। प्रॉक्सी वगैरह, प्रॉक्सी हमें अभी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्रॉक्सी ये हमारा है थर्ड वाला है, ओके। प्रॉक्सी ज्योमेट्री बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके प्रॉक्सी ज्योमेट्री क्या करता है, बेसिकली आपके फाइल को बहुत ही हल्का कर देता है, इजी कर देता है, वो हम फ्यूचर में जानेंगे। उसके बाद ये है, आपको कंस्ट्रेंट में आएंगे हम, तो ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ये जो दिया हुआ है स्ट्रेंथ प्राइमरी स्ट्रेंथ लेवल मल्टीप्लेयर और स्ट्रेंथ वेरियंस, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये आपके पार्ट्स पास टुकड़ों को करता है और भी, और ये स्ट्रेंथ है, जितने पार्ट्स मुझे चाहिए कम बेसी चाहिए वो आपके स्ट्रेंथ तय करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं, यहाँ पर बॉक्स लेते हैं, यहाँ पर हम लेंगे RBD सॉल्वर, और मैं इसे यहाँ से ग्राउंड प्लेन RBD बुलेट सॉल्वर से लाएंगे। अभी हम इसे प्ले करेंगे तो ये फटाक से हो गए। उस टाइम हमें क्या लगा था, उस टाइम हमें लगा था ये चीज़, ये दो चीज़ लगा था इसे इतना फ्रैक्चर करने के लिए, ओके। तो ये सिर्फ अकेला काफ़ी है, अभी और देखें क्या होता है। तो ये तो हमारे फ्रैक्चर हो गए, अब इसमें जाएंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके बारे में, सबसे पहले हम जानेंगे मटेरियल टाइप्स के बारे में। तो मटेरियल टाइप्स आपको क्या है, ग्लास है, वुड है, कस्टम है। तो ग्लास क्या है, जो शीशा वगैरह टूटेगा, शीशा तोड़ना हो, कप तोड़ना हो, ओके। वुड क्या है, लकड़ी तोड़ना हो, कस्टम यानी कि कुछ भी आपके डिपेंड्स हैं कि और भी बहुत कुछ भी तोड़ना है वगैरह इस टाइप से। तो ये तो हमारे, ये तो हो गए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो हो गए, ये है फ्रैक्चर पर पीस, ओके। जितने आपके फ्रैक्चर हो गए उसके पीसेस निकालता है ये, ओके इस टाइप से। तो ये तो हो गए, अब हम जानेंगे प्राइमरी फ्रैक्चर में आपको ये मेन पार्ट्स वगैरह फ्रैक्चर वगैरह करना है इसके लिए है। तो ये चीज़ मैंने लाया है यहाँ से,
अभी मैं इसको माइनस कर दूंगा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आएगा, और जैसे ही प्लस करूंगा तो एक मेरा विंडो खुलेगा, और यहाँ पे दो तीन भी कर सकते हैं आप, दो विंडो हो गए, तीन विंडो भी कर सकते हैं आप इस तरह से। तो अभी मैं एक के बारे में बताता हूँ आप। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे इसका। ओके, ये फ्रिक्वेंसी मैंने बढ़ा दिया है, लेकिन ज़्यादा ये फ्रैक्चर कट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पॉइंट्स कम है, बिना पॉइंट्स के ज़्यादा नहीं होएगा, तो हमें पॉइंट्स बढ़ाना ज़रूरी है। अभी मैं फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, बढ़ गए। ओके, तो ये रेजोल्यूशंस, ये वॉल्यूम रेजोल्यूशन है, इसको आप थोड़ा कम रखें, जैसे कि 10 रखें अभी, क्योंकि ये टाइम बहुत खाता है। तो ये मेरे फ्रैक्चर के रिजल्ट आ गए। ओके, अभी तो हमें इसके बारे में जान गए हैं। अगर हमें ज़्यादा लेना है, अगर ज़्यादा हमें फ्रैक्चर का यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक प्लस और करेंगे, तो हमें और भी ज़्यादा फ्रैक्चरिंग दिया यहाँ पर, छोटे छोटे और भी पॉइंट्स दिए मुझे यहाँ पर। आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो और भी, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा पीसी को हेवी कर रहे हैं, जितना आप बढ़ाएंगे उतना पीसी मेरा हेवी होएगा। तो मैं अभी इसको बढ़ा नहीं रहा हूँ, फिलहाल मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये तो मेरे हो गए, लेकिन अभी मुझे जानना है इसके डिटेल्स के बारे में, जो उसमें हमने किया था इसके डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम डिटेल्स में जाएंगे, सबसे पहले हम जानेंगे एज डिटेल के बारे में। अब हम क्या करेंगे, नॉइस हाइट इसको थोड़ा बढ़ाएंगे, एलिमेंट्स हाइट को थोड़ा सा घटाएंगे इस तरह से। तो ये मुझे एक्चुअली ये एज डिटेल है, तो यहाँ पे एज के साथ में ये आपको फ्रैक्चरिंग देता है इस टाइप से, बढ़िया। अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो यहाँ पे आएंगे हम इंटीरियर डिटेल्स में आएंगे। सबसे पहले हम इसके फ्रैक्चरिंग बढ़ाएंगे, वेरियंस को बढ़ाएंगे, और इसे हम थोड़ा सा कम रखेंगे, इसे थोड़ा और कम रखेंगे। एक्चुअली मेरा ये भी सिमुलेशन भी जा रहा है मेरा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मैं एक्सप्लोर लेता हूँ, एक्सप्लोर व्यू, और इसे मैं देखता हूँ। ओके, तो अभी हम जानेंगे सबसे पहले इसके डिटेल्स के बारे में। ये हमारे डिटेल्स बन गए। ओके, थोड़ा चाहे तो ऑफसेट थोड़ा बढ़ा लें, जितना आपकी रिक्वायरमेंट है डिटेलिंग्स की तो उतना आप डिटेलिंग इसका बढ़ा सकते हैं इस टाइप से। अभी हम इसको प्ले करेंगे इस तरह से। ये हो गए आपको चार नोड, ये सिंगल नोड के बराबर है, लेकिन फ़र्क क्या है कि आपकी ये पीसी को बहुत हेवी करता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे यूज़ ना करें घर पर, अगर आपकी पीसी है लो कॉन्फ़िगरेशन के पीसी है तो आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि आपके पीसी को ये मार देगा। आप इस वोरनॉई का यूज़ करें, वोरनॉई बहुत ही फास्ट है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन ये जो RBD मटेरियल फ्रैक्चर है ये आपके पीसी को बहुत हेवी करता है। ओके, तो इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें और भी कुछ है। मान लीजिए कि आपका सेलफोन है, उसके सेलफोन अगर आप ज़मीन पर गिरता है तो उसकी एजेस के साथ साथ उसके छोटे छोटे टुकड़े भी आते हैं, बराबर। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको पहले हटा देता हूँ, जो विजुअलाइज था मैंने इसको हटा दिया। अभी हम इसको जानेंगे, इसको जो छोटे छोटे जो टुकड़े आते हैं उसको भी जानेंगे हम। तो उसको हम कहाँ से जानेंगे, ये आपको दिख रहा है चिपिंग। ओके, ये चिप ये बहुत ही एडवांस है, ताकि आपकी वो जो छोटे छोटे टुकड़े हो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेलिंग्स वो हमें रिजल्ट देता है। तो हम जैसे ही इसे इनेबल करेंगे तो ये आपको देखो ये आपके छोटे से टुकड़े में आ गया है। हम इसे डिसेबल करते हैं, अब इसे इनेबल करते हैं, ये आपके छोटे से टुकड़े में आ गया। अभी हम इसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले हम इसको देखते हैं प्ले करके। ये देखिए सी, ये छोटे छोटे जो टुकड़े आए हुए हैं ये चीज़। ओके, पहले नहीं थे। तो और भी ज़्यादा डिटेल करेंगे इसके बारे में, चिपिंग के बारे में हम जानेंगे और भी ज़्यादा। तो सबसे पहले हम जानेंगे चिपिंग रेशियो। तो सी रेशियो, जितना आप बढ़ाएंगे उतना रेशियो में बढ़ेगा। अगर हम बढ़ाते हैं थोड़ा सा और, तो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है सी, जैसे कि पहले था। तो अभी जैसे बढ़ाएंगे और, तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है रेशियो में। और नीचे वाला क्या है, कॉर्नर रेशियो। कॉर्नर रेशियो क्या करेगा कि आपके एक इसके साथ में एक और चिपिंग बनाएगा। ये देखो यहाँ पे हमको दिखाते हैं आपको, पहले था ऐसे, अभी इसके साथ में एक और कॉर्नर बनाया इसने। ओके, इसके साथ में एक और कॉर्नर यहाँ पे बनाया, यहाँ पे देखना आप इस तरह से। ओके, तो ये चीज़ मेरा काम करता है। और ये चीज़ जो डेप्थ है, ये डेप्थ क्या करेगा, आपके दूरी को तय करेगा, बढ़ाएगा। ये आपके जो डेप्थ है इसको और भी थोड़ा सा बड़ा करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों से थोड़ा बड़े बड़े टुकड़ों में चेंज करेगा ये, लेकिन हमें छोटे छोटे पीसेस चाहिए। ओके, इतना। अभी मैं इसको प्ले करते हैं इस टाइप से। सी कितना अच्छा डिटेलिंग दिया है, कितना बेस्ट और कितना अच्छा डिटेलिंग दिया है, काफ़ी अच्छा डिटेलिंग दिया है।
ये तो इससे एक क्यूब बॉक्स है, अगर आप कोई बड़े काम कर रहे हैं तो ये आपके पीसी को बहुत हेवी करता है। तो आई रिकमेंड यू कि आप अगर से घर में सीखने के लिए बना रहे हैं, अगर प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं तो वोरोनोई का यूज़ करें आप। अगर आप प्रोडक्शन हाउस में बना रहे हैं तो इस टाइप से आपको अगर डिमांड है कि मुझे छोटे छोटे पीसेस भी चाहिए तो चलेगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मशीन बहुत अच्छे होते हैं और रेंडर फार्म होते हैं जल्दी रेंडर होने वाले, लेकिन आपकी मशीन में उतनी कैपेसिटी नहीं होती है जो इसको रेंडर फास्ट करके दे और इतने वर्क को वो झेले, तो आपके जो घर की जो पीसी है वो नॉइज़ फ्रैक्चर वो मशीन झेल लेगा। तो बेसिकली मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि ये जो चार नोड है ये सिंगल नोड के बराबर है। अब तो हम जान गए इसके बारे में, डिटेल्स के बारे में जान गए। अब लास्ट बचा है मेरा कॉन्स्टेंट्स के बारे में जानेंगे। तो कॉन्स्टेंट क्या करेगा, ये आपके प्राइमरी जो स्ट्रेंथ है, अगर ये स्ट्रेंथ मैं बढ़ाता हूँ, मान लीजिए इतना मैं बढ़ाता हूँ इस तरह से, अभी मैं प्ले करता हूँ सीधे, तो इसने क्या किया है, इसने किया ये है कि आपकी जो मटेरियल है इसको और भी ज़्यादा हेवी कर दिया है, इसीलिए ये फ्रैक्चर ज़्यादा नहीं हुआ, सिर्फ थोड़े से जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो सिर्फ गिरे और जो हेवी भी पीसेस हैं वो यहीं पर रह गए। अभी मैं इसे कम करता हूँ, मान लीजिए मैं इसे 100 करता हूँ सिर्फ, तो ये आपके पीसेस को बढ़ा दिया। अब हम जानेंगे लेवल मल्टीप्लेयर के बारे में। लेवल मल्टीप्लेयर क्या करेगा, आपके जो इसके पार्ट्स हैं उसको और भी उसको थोड़ा लूज करेगा। ओके, इसे मैं इसको देता हूँ 50 फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप से इसको पार्ट्स को क्या किया उसने, लूज कर दिया। उसी हिसाब से है ये, जैसे कि 5 है, मैं इसको डिलीट करता हूँ, सिर्फ 50 रखता हूँ इस टाइप से, और भी इसके वेट को उसने क्या किया, घटा दिया है, और इसके जो चिपिंग है और ज़्यादा उसको बढ़ा दिया है। ओके फ्रेंड, तो ये तो हो गए आपके, लेकिन आपकी जो ज़रूरत है मेन चीज़ आपको ये है, प्राइमरी फ्रैक्चर, चिपिंग और डिटेल, जो इंटीरियर डिटेल वगैरह है इसको इस टाइप से इसको बना सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ मैं इसको इंटीरियर डिटेल को। तो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाह रहा था इसके बारे में, RBD मटेरियल्स के बारे में और वोरोनोई फ्रैक्चर्स के बारे में, तो मैं आपको एक बार दोनों को कंपैरिजन दिखा दूँ। यहाँ से मैं काम करता हूँ, बट इवन इज़ ऑल्सो गुड, ये इसमें बहुत सारे डिटेलिंग्स हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये आपको पीसी को बहुत हेवी करेगा और ये आपके पीसी को काम बहुत ही अच्छे से यूज़ कर लेगा। ओके, तो हम इसके बहुत ही एडवांस डिटेल में जान गए हैं जो RBD मटेरियल में जो लगते हैं। मैं आपको वोरोनोई के बारे में बताता हूँ, वोरोनोई भी सबसे बेस्ट आता है अगर आप लकड़ी के लिए बना रहे हो, अगर लकड़ी को तोड़ रहे हो, अगर गोली चल रहा है, लकड़ी से टच होके जा रहा है, किसी वुड से टच होके जा रहा है, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे फ्रैक्चर करता है वोरोनोई फ्रैक्चर। अब हम लास्ट जानेंगे हुडनी 17 में फ्रैक्चर जो हुआ करते थे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे, तो हम सबसे पहले जानते हैं वो पहले डॉप में ही बनते थे, डॉप नेटवर्क पर, ये रहा डॉप नेटवर्क, पहले इसमें ही बनता था वो, अभी इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारे नोड्स हुआ करते थे हुडनी 17 में, को लाना पड़ता था बिल्कुल पायरो पार्टिकल्स वगैरह जिस टाइप से हम बनाते हैं डोप नेटवर्क में उसी टाइप से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ बना करके, ऐसे हम लगाते हैं और ये लगेगा सॉल्वर यहाँ पर रिजिड बॉडी और ये लगेगा यहाँ पर। पहले ये बनता था इस टाइप से जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। RBD मटेरियल फ्रैक्चर और वोरोनोई फ्रैक्चर्स के बारे में आज हम जाने हैं, तो ये आपको आई थिंक बहुत ही हेल्पफुल मिला रहेगा। ओके गाइस, बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।